और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वक्त बदल रहा है और बदल रही है साथ में समाज की सोच। ग्राम पंचायत संबलपुर में पहली बार परंपराओं से हटकर दो बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। देखिए खास रिपोर्ट। शमशान पर उस समय लोगों के आंसू छलक पड़े जब दो बेटी ने शमशान में रूढ़िवादी परंपराओं के बंधन को तोड़ते हुए अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसने बेटा बनकर हर फर्ज को पूरा किया जिसकी हर किसी ने तारीफ की। अंतिम संस्कार में वह रोती रोती पापा को याद करती रही, लेकिन बेटी की कमी को हर तरह से पूरा किया। अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों ने कहा कि एक पिता के लिए अंतिम विदाई इससे अच्छी और क्या हो सकती है, जब पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाया। दरअसल ज्यादातर ऐसी बातें होती है कि बेटा कुल का दीपक होता है, बेटे के बिना माता पिता को मुखाग्नि कौन देगा। लेकिन अब यह बातें अब बीते जमाने की हो गई है। यह साबित किया है बेमेतरा जिले के संबलपुर की बेटी ने। बुधवार को ऐसे ही पुरानी कुरीति एक बार फिर टूटी। बड़ी बेटी पुष्पा ने पिता को न सिर्फ मुखाग्नि दी बल्कि अंतिम संस्कार की हर वह रस्म निभाई जिनकी कल्पना कभी एक पुत्र से की जाती है। जानकारी के अनुसार संबलपुर में कांशीराम बंजारे स्वास्थ्य खराब होने के चलते उसका निधन हो गया। पुष्पा ने कहा कि पिता की हार्दिक इच्छा थी कि बेटी उनका अंतिम संस्कार करे और उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी की। समय के साथ सोच बदलने की जरूरत है। आज के समय में बेटा बेटी बराबर हैं। मृतक के दो बेटी पुष्पा व बबली है, कोई बेटा नहीं था। कांशीराम की मृत्यु के बाद उनकी दोनों बेटियों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सारे फर्ज पूरे किए। दोनों बहनें बेटे की तरह परवरिश पाई हैं। पत्नी शांति का कहना है कि उनके पिता ने उनको बेटों की तरह पाला है। वो दोनों बहनें ही हैं, उनका कोई भाई नहीं है। उनके पिता ने कभी दोनों बहनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, सभी को अच्छी शिक्षा दिलाकर शादी की है। बेटियां क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि आज जमाना बदल गया है। पुरानी कुरीतियां रही हैं कि दाह संस्कार का काम केवल बेटा ही कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जमाना बदल रहा है, जो काम बेटे कर सकते हैं उस काम को बेटियां भी कर सकती हैं। आज लड़कियों का जमाना है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है और हम वह सभी कार्य करेंगे जो एक बेटे को करनी चाहिए। इसके बाद सभी रिश्तेदारों ने एक राय होकर बेटियों को ही अंतिम संस्कार के लिए आगे किया और उन्हें ढांढस बंधाया। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।